हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, और हमको किसी और की संस्कृति और किसी और के इतिहास में अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे समाज में होता होगा, महिला और पुरुष, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। होता है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में जितनी इज्जत पुरुष का है उतनी ही इज्जत महिलाओं का भी होता है। यही आदिवासी होने की पहचान होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महापुरुषों की जगह महामानव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अन्य मांगों को जब मैं पढ़ रहा था, यह जो मांग है, इस मांग के लिए मैं यह बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि हमारे साथी ने कहा कि अब हम बोलना सीख गए हैं, अब हम राजनीति भी समझ रहे हैं, अपनी मांग भी हम मनवा लेंगे। और यह जो बोलने का इतिहास है, यह एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है। और इस संघर्ष में आपने बार बार देखा होगा कि किस तरीके से हमारी लड़ाई को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहचान है आदिवासी, उसको आज तक वनवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए, अगर वन में रहने वाले लोग वासी हैं तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उसको फ्लैट वासी कहना शुरू कर दें क्या? अरे भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, लेकिन इस जमीन पर सबसे पहले जो उन्होंने रहना शुरू किया, निवास करना शुरू किया, वो आदिवासी हैं। और ये सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है।